नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो दोस्तों, वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जीओवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जीओवी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अनंत में विलीन हुए अरुण जेटली, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को एम्स में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद अरुण जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से राजनीतिक जमात में शोक की लहर है। आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में पीएम मोदी की हिंदी को कैसे समझ रहे थे बियर ग्रिल्स, पीएम मोदी ने ही खुद खोला इसका राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड शो के स्पेशल एपिसोड में बियर ग्रिल्स के साथ नजर आए। शो दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग टेलीविजन इवेंट रहा। शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बियर ग्रिल्स ने अपने अनुभवों को साझा किया था, साथ ही जिम कार्बेट पार्क में एडवेंचर किया था। शो के टेलीकास्ट होने के बाद एक सवाल सबके जहन में था कि पूरे शो के दौरान पीएम मोदी हिंदी में बात करते हुए रहे, फिर अंग्रेजी समझने वाले बियर ग्रिल्स ने उनकी बात को कैसे समझ लिया। इस सवाल का जवाब खुद पीएम मोदी ने दिया। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि बियर ग्रिल्स को हिंदी कैसे समझ आई। लोगों ने पूछा कि क्या शो एडिट किया गया था या फिर शो को कई बार शूट किया गया था। मेरे और बियर ग्रिल्स के बीच टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई। एक कॉर्डलेस डिवाइस बियर ग्रिल्स के कान में अटैच थी जो बहुत जल्द हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रही थी। मन की बात में पीएम मोदी ने याद दिलाई 2 अक्टूबर से प्लास्टिक इस्तेमाल करने के खिलाफ आंदोलन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपना पूरा जोर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने पर दिया। उन्होंने ये लोगों से कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने की बात उन्होंने कही। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आज तीसरी बार लोगों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, अच्छी पिच बनाओ तभी बच पाएगा टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी ऐलान किया जा चुका है। वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड की टीम को जीत मिली, लेकिन उसके बाद कोई भी वर्ल्ड कप और उसकी जीत की बात नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही एशेज शुरू हुआ सभी टेस्ट क्रिकेट की बात करने लगे। बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने रविवार को टेस्ट क्रिकेट पर अपना बयान दिया और ये कहा कि आज के ज़माने में टेस्ट क्रिकेट को कैसे बचाया जा सकता है। सचिन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो फ्लैट और डेड ट्रैक्स को बनाना बंद करना होगा, इससे 5 दिनों का ये खेल काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। चीन ने बढ़ाया टैरिफ तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेड वार को लेकर चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी उत्पादों पर चीन द्वारा 2 नए शुल्क लगाए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिका से आयात किए जाने वाले 75 अरब डॉलर के उत्पादों पर 10% की जवाबी शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने चीन से आयातित 300 अरब डॉलर की वस्तुओं पर नया शुल्क लगाने की धमकी दी थी। इसी के जवाब में चीन ने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान ने कहा, भारत के साथ संबंधों में तनाव के बावजूद करतारपुर गलियारे को पूरा करने को प्रतिबद्ध। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की एक वरिष्ठ सहायक ने रविवार को कहा कि भारत के साथ रिश्तों में तनाव के बावजूद बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर गलियारा परियोजना पूरा करने को प्रतिबद्ध है। करतारपुर गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर स्थित डेरा साहिब को गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा और भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा मुहैया कराएगा। करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को सिर्फ परमिट लेना होगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना 1522 में की थी। श्रीनगर सचिवालय पर शान से फहरा रहा है तिरंगा, हटाया गया राज्य का झंडा।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अब श्रीनगर स्थित सचिवालय की इमारत से राज्य का झंडा हटा दिया गया है। अब श्रीनगर सचिवालय पर सिर्फ तिरंगा फहरा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बची हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद राज्य में हिंसा में किसी शख्स की अभी तक जान नहीं गई है।